हरे कृष्ण महामंत्र का सही उच्चारण का तरीका क्या है? अरे जैसा लिखा वैसे बोलो, इसमें उच्चारण क्या है? शुद्ध उच्चारण हिंदी का, हरे की जगह हरे बोलो, कृष्ण के साथ कृष्ण बोलो, राम है तो राम बोलो, तीन नाम है महामंत्र में, हरे राम और कृष्ण, बस यही उच्चारण होना चाहिए जैसा होता है। इसमें पूछने की कौन सी बड़ी बात है? हाँ, कई बार गाने में हम कृष्ण की जगह कृष्णा कह देते हैं और राम की जगह रामा कह देते हैं, तो कहीं ऐसा हमने सुना कि दोष है, लेकिन ये गलत बात, कोई दोष नहीं, राम कहो चाहे रामा कहो, गोविंद कहो चाहे गोविंदा कहो, गोपाल कहो चाहे गोपाला कहो, नंदलाल कहो चाहे नंदलाला कहो, अर्थ तो वही है ना। तो इसलिए जैसा जिससे बने नाम में चलेगा, हाँ मंत्रों में ऐसा नहीं चलेगा, मंत्रों में मात्रा बदलते ही अर्थ बदल जाते, लेकिन नाम में मात्रा बदलने से अर्थ नहीं बदलता। इसलिए राधा कहो चाहे राधे कहो चाहे राधिका कहो, कन्हैया कहो चाहे कान्हा कहो चाहे कन्नू कहो, है तो नाम उन्हीं के ना, और गोपाल कहो चाहे गोपू कहो, एक ने अपने ठाकुर जी का नाम गोपू रखा तो गोपू कहो, कोई दोष नहीं है। तुलसी अपने राम को रीझ बजो चाहे खीज, उल्टा सीधा निप जिए खेत परे सो बीच, और वाल्मीकि जी के बारे में तो कहा गया कि मरा मरा कह करके तर गए, तो जब मरा कहने का भी फल वही हो गया, क्योंकि लक्ष्य तो भगवान का नाम है ना। ठीक है, जिससे जैसे उच्चारण हो रहा है, और हमारे हरियाणा में तो कृष्ण ही नहीं बोल पाते, वो कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण। अब करी और शन हो गया कृष्ण, अब ये तो नाम ही नहीं भगवान का, लेकिन उनका भाव तो ये कि हम कृष्ण कर रहे हैं। ऐसे कहती है कि एक बोधा वाला किसान था, उसके गुरु ने दीक्षा दी, अघमोचन नाम का जप करने को बताया, वो बेचारा अघमोचन तो भूल गया, अघमोचन के स्थान पर खमोचन खमोचन करने लगा। अघ कहते हैं पाप को, मोचन का मतलब समाप्त करने वाला, पापों को खत्म करने वाला, पापों का नाश करने वाला, अघमोचन ये प्रभु का नाम है। अब बेचारा अघमोचन भूल करके खमोचन खमोचन करने लगा, भगवान को हंसी हंसी आ गई। लक्ष्मी ने कहा प्रभु क्यों हंसे? भगवान ने कहा आज मेरा नया नामकरण संस्कार हुआ, इसलिए। क्या नया नाम रखा आपका? आज मेरा नाम एक भक्त ने रखा खमोचन। लक्ष्मी ने कहा प्रभु ये खमोचन का अर्थ क्या है? भगवान ने कहा अर्थ तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ मेरा नाम है। और फिर लक्ष्मी परीक्षा करने आई, लक्ष्मी ने पूछा किसका नाम कर रहे हो? तो उसके मुख से निकल गया तुम्हारे खसम का नाम कर रहा हूँ, गुस्से में, और सचमुच में वो बात सच निकली, नारायण का नाम कर रहे हैं। पूछा कहाँ है मेरा खसम? तो भगवान गड्ढे में छुपे थे, तो गुस्से बोला पड़ा होगा कहीं गड्ढे में, वो बात भी सच निकली, और लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट होकर भगत को दर्शन देते हैं। जब खमोचन खमोचन जप करने से, जो कि प्रभु का नाम नहीं, लेकिन भावना में तो ये है ना कि प्रभु का नाम है, तो प्रभु के दर्शन हो गए। इसी प्रकार हम किसी भी तरह से प्रभु का नाम ले, बस इतना ही भाव होता कि प्रभु का नाम है, फिर जैसे बने सो। तो इसमें कोई भी शंका करने की आवश्यकता नहीं, भाई को भाई अनक आलस हो, जैसे भी करें और जिस प्रकार से करें, अब अपनी भाषा में उच्चारण सबका अलग अलग हुआ करता है। अब हमारे बंगाल में तो हो रे कृष्णु 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 हो रे ऐसे बोलते हैं, हो रे बोलते थे, लेकिन सब प्रभु के नाम है। जिसे जैसा बने अपनी भाषा में, उसी भाषा में भगवान समझते हैं। आप कीजिए शंका रहित हो।